हेलो एवरीवन, नमिता हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। तो आज का ये जो वीडियो है ये फुल क्लीनिंग वीडियो है, डेकोरेशन वीडियो है। तो इस बार दिवाली मैंने अपने घर को कैसे सजाया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने जो मेन डोर है वहाँ पे ये आर्टिफिशियल तोरण लगाया और ये लगाने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो हर साल दिवाली में मैं रंगोली बनाती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं ये जो प्लेस है हमारे जस्ट एंट्री वे के सामने, इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो फिर आता है हमारा ये घर का एंट्री वे और यहाँ पर हमारा स्टू रैक है। तो इसके ऊपर जो भी सामान था मैंने उसको हटा दिया है क्लीनिंग करने के लिए। तो क्लीनिंग होने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये रनर, और ये जो रनर है ये काफ़ी सुंदर प्यारा सा रनर है। इसको मैंने लास्ट ईयर होम सेंटर से लिया था। कभी कभी मैं इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर भी यूज़ करती हूँ, बट दिवाली है तो मैंने यहाँ पे इसको इस बार यूज़ कर रही हूँ। तो इसके बाद जो भी एज यूजल जो रेगुलर बेसिस में घर पर रहता है वो उसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये जो मिरर आप देख रहे हो यहाँ पे राउंड वाला, ये मैंने अभी नया लिया था और ये मैं दिवाली के लिए रखी थी मैं डेकोरेट करने के लिए, और ये काफ़ी सुंदर लगा और मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गया थोड़ा सा ये जगह का क्लीनिंग। तो ये जो बॉटल देख रहे हो इसमें मैंने ग्लास पेंटिंग किया था और इसमें थोड़ा सा लाइट्स ऐड किया था, बट जो कि इस बार ख़राब हो गया है तो मैंने एज इट इज़ इसको ऐसे रख दिया है यहाँ पे। तो हफ्ते में एक बार ये सब क्लीनिंग चलता ही रहता है। तो आप देख रहे हो यह ये जो जगह है अभी कितना अच्छा लग रहा है, और इसके पास ये जो वास देख रहे हो ये काफ़ी बड़ा सा एक वास है और इसको भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट डस्ट आ ही जाता है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारा धूल जम गया था तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो क्लीनिंग पार्ट हो गया है डन, और ये सब हम दिवाली के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा डेकोरेशन, थोड़ा सा लाइट्स वो भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड के फ्लावर स्ट्रिंग। तो ये सब जो आर्टिफिशियल फ्लावर के स्ट्रिंग होते हैं ये ऐड करने से बहुत अच्छा एक लुक आता है, बहुत अच्छा कलर्स ऐड हो जाता है। तो ये जगह थोड़ा सा खाली लग रहा था मुझे, तो मैं यहाँ पे एक सुंदर सा प्यारा सा ये बाउल ऐड कर रही हूँ और इसी के ऊपर मैं रख रही हूँ ये आर्टिफिशियल फ्लावर के एक स्ट्रिंग।
और इसी के अंदर आप अगर थोड़ा सा लाइट रख देंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है इवनिंग के टाइम। और इसी के साथ ऐड किया ये दो लैम्प्स, और ये जो दो लैम्प देख रहे हो आप, ये काफ़ी दिनों से मेरे साथ हैं और हर साल मैं इसको यूज़ करती हूँ दिवाली के टाइम, कोई भी फेस्टिवल के टाइम। तो एंट्री वे को और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये आर्टिफिशियल रंगोली, और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा है आप प्लीज़ चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कैंडल्स भी ऐड कर दिए हैं और आप देख सकते हो इसका ये जो है फाइनल लुक। तो नेक्स्ट आता है हमारे घर का ये लिविंग एरिया, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो टीवी यूनिट है मैं इसके ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ ये आर्टिफिशियल मेरीगोल्ड फ्लावर्स की ये स्ट्रिंग। और ये जो फ्लावर्स के स्ट्रिंग है मैंने लास्ट ईयर सब ख़रीदा था, और ये सब जो होते हैं ये काफ़ी यूज़ होते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो गया, खास करके दिवाली हो गया, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर रख दिया है ये दो प्यारे IKEA के कैंडल होल्डर विद कैंडल्स। तो हमारे घर के सोफ़ा के साइड में ये 3 स्टेयर्स वाला टेबल है, तो उसके वो भी थोड़ा सा मैंने क्लीन कर दिया है और उसमें भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है। इसके बाद ये जो लिविंग रूम का ये जो टेबल है इसमें रखा है मैंने एक उरली, थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा फ्लोटिंग फ्लावर्स मैंने ऐड किया है, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये जो लोटस के फ्लावर हैं ये पानी में डालते ही ये ग्लो करने लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। और ये सब का जो प्रोडक्ट लिंक होगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो वहाँ से। फिर ये जो सोफ़ा है उसका थोड़ा सा कुशन्स कवर्स चेंज किया और हो गया हमारा ये लिविंग रूम का ये डेकोरेशन रेडी। तो कुछ लाइट्स ऐड करने के बाद और थोड़ा सा ये डेकोरेटिव आइटम्स हैंग करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो है हमारे ये डाइनिंग एरिया, और इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे एक कॉर्नर में आप देख सकते हो ये वाला एक वुडन कॉर्नर स्टैंड है। तो यूजली ये प्लेस में मैं थोड़े से डेकोरेटिव पीसेस हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, मैं ये सब रख देती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके फिर से इसको अरेंज कर दी हूँ उसी प्लेस में। तो नेक्स्ट आता है ये मेरा डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने का बारी, और ये जो पार्ट है मुझे काफ़ी पसंद है, मैं बीच बीच में ऐसे ही इसका जो लुक है मैं चेंज करती रहती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा दिवाली के लिए इसको डेकोरेट कर रही हूँ, तो जो भी मेरा पहले का अरेंजमेंट था उसको मैंने चेंज करके अभी ये नया रनर मैंने लिया है रिसेंटली, तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ।
तो इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये एक सर्विंग ट्रे, और इसको मैं एज ए डेकोर पीस में यूज़ कर रही हूँ, और इसी के ऊपर थोड़ा सा ये डेकोरेटिव आइटम्स रख रही हूँ मैं। तो कुछ चेंजेस के बाद ये हमारा डाइनिंग टेबल हो गया है दिवाली के लिए रेडी। सारे घर के कैंडल्स लगाने के बाद और सारे लाइट्स ऑन करने के बाद आप देख सकते हो ये रहा हमारे घर का ये फाइनल लुक दिवाली के लिए। तो ये था आज का ये मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये एंट्री वे लिविंग रूम और ये डाइनिंग एरिया का मेकओवर वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली।